पलटना, छपटना, छपट कर पलटना। 65 की पाक भारत जंग में स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम ने एक मिनट या इससे कम वक्त में यके बाद बिगड़े भारत के 5 हंटर लड़ाका तैयारे डॉग फाइट में मार गिराए। ये कारनामा सिर्फ पाक फजाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब नहीं बल्कि जंगी हवाबाजी की आलमी तारीख का एक मौजजा ख्याल किया जाता है। 7 सितंबर को एमएम आलम और इसके 11वें स्क्वाड्रॉन के साथी सरगोधा के नवाह में मामूल की दिफाई उड़ान में मसरूफ थे। इन्हें भारत के 5 हमलावर हंटर तैयारों से निपटने का हुक्म दिया गया। एमएम आलम ने देखा कि इसके सामने 4 हंटर तैयार खूबसूरत जंगी तरतीब में हमले की पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं। आलम ने फैसला किया कि वो सबसे पहले इंतहाई दाएं जाने वाले भारतीय तैयारे को निशाना बनाएगा। इसी लम्हे इसकी नज़र 5वें भारतीय हंटर तैयार पर पड़ी। इसी असना में वो अपनी गनों का बटन दबा चुका था। देखते ही देखते एक हंटर तैयारा लुढ़कियां खाता हुआ जमीन पर आ रहा। दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर आलम ने दूसरे हंटर तैयारे को निशाने पर रखा और फजा में आग का एक बटोला नजर आया। बाकी 3 तैयारों ने अब दिफाई पोजीशन ले ली, लेकिन आलम ने इन्हें कोई दाव पेच आजमाने की मोहलत ही नहीं दी और तीसरे हंटर को भी तबाह कर दिया। बाकी 2 तैयारे तुम दबाकर भागने की कोशिश में एक एक करके ढेर हो गए। भारतीय हंटर तैयारा पाकिस्तानी सैबर के मुकाबले में इंतहाई फुर्तीला और तेज रफ्तार तसव्वुर किया जाता है, लेकिन उनकी एक न चली। कौम ने एमएम आलम की शानदार खिदमात को सराहते हुए सितारा जुर्रत से नवाजा। एमएम आलम का नाम सुनकर पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा फख्र से सीना तान लेता है। पलटना, छपटना, छपट कर पलटना। एमएम आलम और पाक फजाइया में इसके दीगर साथियों ने अपने से 5 गुना बड़ी भारतीय फजाइया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई।